Good morning, dear parents and students. I, Miss Seema, class teacher of your ward of 2nd Orchid, welcome you. Today's date is April 1st, 2020, that is Wednesday. Today's topic in Hindi is Aao Matraon Ko Dohraye. Jaisa ki aap previous class mein matraon ko padhkar aaye hain. लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको दोबारा सभी मात्राओं की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। आज की कक्षा में आप आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा आदि मात्राओं को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। सो लिखा है वर्ण पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। मैं दोबारा दोहराती हूँ, वर्ण पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। तो इसी तरह आप घर पर कोई भी वर्ण ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ण लिया है पा, मैंने एक वर्ण लिया है पा, तो पा पर मैं पहले लगाऊंगी आ की मात्रा, तो बनेगा पा, आ की मात्रा, ल, क, पालक। इसी तरह पा पर अब कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा, तो पा, पापर लगाई हमने छोटी ई की मात्रा, पी, न, पिन। दूसरा पापर हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो पा, पापे लगाई बड़ी ई की मात्रा, प, ल, पीपल, शब्द बना पीपल। इसी तरह अब हम लगाएंगे पापर छोटे ऊ की मात्रा, पापे लगाई हमने छोटे ऊ की मात्रा, पु, ल, पुल, पापे लगाई छोटे ऊ की मात्रा, ल, पुल। अब हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, तो पा, पापे लगाई बड़े ऊ की मात्रा, पू, रब, पूरब। इसी तरह अब हम लगाएंगे ओ की मात्रा, तो पा, पापे लगाई ओ की मात्रा, पो, खर, पोखर। सो इसी तरह आप घर पर भी इसी तरह मात्राएं लगाकर कार्य करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एक ही वर्ड पर अलग अलग मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाए। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह बच्चों को घर पर एक रफ नोटबुक देकर एक एक अन्य वर्ड लेकर इसमें सभी मात्राएं लगाकर नया शब्द बनवाएंगे। थैंक यू सो मच।